नए हिट एंड रन कानून को लेकर पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। इसे लेकर विरोध में उत्तर भारत में ट्रकों के पहिए थम गए हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं वडोदरा के एक ट्रक ड्राइवर का बयान सामने आया है। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि अगर हमें सजा दी जाएगी तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। सुनिए ट्रक ड्राइवर ने क्या कुछ कहा। हमने गाड़ियां यही काले कानून के वजह से खड़ी की हैं। जब 10 लाख रुपया हमारे पास हो तो हम घर में कोई धंधा ना खोलें, गाड़ियां चलाएं। आपकी बात सही है, जो भी सामान है गाड़ी पे आता है, गाड़ी वाला रुक जाएगा, गाड़ी वाला सजा भुगतेगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसका परिवार कहाँ जाएगा। ये तो ये मीडिया वो वहाँ एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर तो चलो अपनी सेफ्टी के लिए भागता है, नहीं भागता है तो पगले कूट कूट के मारती क्या करेगा। दरअसल नए कानून के अनुसार अगर ट्रक टैंकर ड्राइवर किसी को कुचलने के बाद नहीं रुकते और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने या पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की कैद होगी और उन पर 7 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर दूसरे ट्रक ड्राइवरों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, ये कानून वापस लें, बस ये निवेदन है सरकार से। ड्राइवर आदमी कहाँ इतना 8 लाख रुपया देगा, जहाँ कोई गाड़ी लग जाए, ड्राइवर आदमी पीला भी नहीं मारता, कुत्ता भी नहीं मारता रास्ते में, कोई नीचे में कोई आ जाए तो कहाँ 8 लाख रुपये भरेंगे भाजी हम। देखिए जब तक ये काला कानून है बेचारे ड्राइवर कहाँ से इतना पैसा भरेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर किसी ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए है तो वो क्यों आएगा इधर, उसको क्या जरूरी है। अगर 10 लाख रुपए है उसके पास तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा, बेचारे 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं। अगर पहला नंबर तो इतना कोई बड़ी गाड़ी वाला ड्राइवर ऐसा है ही नहीं कि जो जानबूझ के एक्सीडेंट करेगा, अगर कर रहा है तो सर देखिए वो अगर रुकेगा वहाँ पे तो पब्लिक उसको मार देगी, सीधी सी बात है। अगर पब्लिक कोऑपरेटिव होगी तो वो नहीं भागेगा, वो लेके जाएगा हॉस्पिटल में बंदे को, इलाज करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। पर ऐसी बात ही नहीं है, यहाँ की पब्लिक को पता नहीं क्या है, वो अगर छोटी गाड़ी वाला पीछे से भी हिट कर रहा है तो वो बोलेंगे नहीं ये छोटी गाड़ी वाली का कसूर है ही नहीं, ये जो कर रहा है बड़ी गाड़ी वाला कर रहा है, तो वो बेचारा कहाँ से भरेगा 10 लाख रुपए। तो क्या आप चाहते क्या सरकार से, क्या चाहते? हम ये चाहते हैं सरकार से कानून वापस लिए जाए, बस ये हमारी सरकार से। कोई आपके जो नेता वगैरह है वो सरकार से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी कर रहे हैं, तो कोई पंजाब में कर रहे हैं, कोई इधर कर रहे हैं, कोई गुवाहाटी में कर रहे हैं, कांडला में कर रहे हैं, जो हमारी यूनियन है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 50,000 लोगों की सड़क पर हिट एंड रन के मामलों में मौत हो जाती है। अब तक कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था और बेल मिल जाती थी। खैर ऐसे मामलों में अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माने का ही प्रावधान होगा। अगर ट्रक ड्राइवर ही गलत ढंग से वाहन चला रहे हैं और लापरवाही से हादसा कर रहे हैं और फिर भाग जा रहे हैं तो ऐसे में फिर ड्राइवर को 10 साल तक की कैद होगी।